जॉब के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके करीबियों पर छापेमारी का दौर लगातार जारी है। आज सीबीआई ने 25 ठिकानों पर, जिसमें बिहार, हरियाणा और दिल्ली के करीब 25 ठिकाने शामिल हैं, जहां सीबीआई कंटिन्यू रेड कर रही है, और इसी संदर्भ में गुरुग्राम के सेक्टर 71 के एक मॉल पर भी सीबीआई रेड कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि तस्वीरों में दिख रहा है ये वही मॉल सेक्टर 71 का है, जहां लालू प्रसाद यादव के करीबी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनका आरोप उन पर आरोप है कि यह मॉल उनका है और उनकी कंपनी व्हाइट लैंड कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो उनकी कंपनी है, वो इस पूरे मॉल को बना रही है। तो तमाम आरोप है और उसी आरोप के तहत आज सीबीआई की टीम यहां पहुंची और पहुंचकर छापेमारी कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब लालू प्रसाद यादव और उनके करीबियों पर इस सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही हो। इससे पहले भी दो बार उन पर छापेमारी हुई है और उसके बाद ये तीसरी बार है। हालांकि इसको सियासी रूप भी दिया जा रहा है और माना जा रहा है। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, इस पूरे मामले को लेकर यह कह रही है कि आज बिहार में प्रोटेस्ट है और उसी के मद्देनजर यह छापेमारी कर उनको डराने की कोशिश की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ कर रहे हैं कि जो जमीन के बदले जॉब प्रकरण था, यानी जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उस वक्त एक ट्रेंड उन्होंने चलाया था और तमाम लोगों से पैसों के बदले उनसे जमीन ली थी और जमीन के बदले उन्हें नौकरी दी थी, या भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था, और जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने कंटिन्यू छापेमारी शुरू की थी और उसी के तहत आज तीसरी बार छापेमारी हो रही है। हालांकि इस छापेमारी में क्या कुछ निकलता है यह देखने वाली बात है। हालांकि यह भी सूचना है कि जो ये गुरुग्राम का ये मॉल है, ये मॉल तेजस्वी यादव, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, और उनके करीबियों का, यानी उनके से ताल्लुकात रखने वाले लोगों का ये मॉल है। हालांकि इसके पीछे सच्चाई क्या है, इसकी जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण से सियासी उबाल जरूर आ गया है।